हेलो दोस्तों, ये जीएस मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले मैंने 14 पार्ट इसके कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने अब तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड किए गए हैं। जितने बार लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो जितने बार आपके 14 पार्ट्स हैं वो सभी जाके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी वो पार्ट्स जाके जरूर देख लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी इंफॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो यहां पे जो पहला नंबर का क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है 323 बीसी या 324 बीसी या 326 बीसी या 328 बीसी। तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का मैं आप सभी को टाइम दूंगा। आपको फाइनली टेस्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको बताने कि आपने कितना स्कोर किया, और 1 से 2 सेकंड के अंदर वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट में आंसर देना है। टोटल 20 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, खैबर दर्रा स्थित है, तो खैबर दर्रा कहाँ पे है फटाफट से सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन दिया रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो फटाफट से सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। चले अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे ये यहाँ पे आप सभी से पूछा गया। ऑप्शन दिए गए हैं यूथरान, ट्राइगवे लाई या व्यूटोरस और जयवीर। फटाफट से बताइए कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्राइगवे लाई इज द फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर का दिया रहा है यहाँ पे कि दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है, तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय क्या है, हैदराबाद, बैंगलोर, सिकंदराबाद या चेन्नई। फटाफट से सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को बता दें जो रेलवे के टोटल जोन है वो 17 हैं, वहीं पर सब डिवीजन की बात करूं तो टोटल सब डिवीजन है 73। चलिए अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे दिया है विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन ए दिया है वॉशिंगटन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो फटाफट से सभी लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक इसकी पहली बैठक चली थी। आप सभी को बता दें कि WTO की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए, और टोटल कंट्री मेंबर की बात करें तो 164 इसके मेंबर कंट्री हैं। वहीं पे अगर बात करें कि लास्ट जो इसकी कंट्री मेंबर बनी थी वो बनी थी अफगानिस्तान, जो कि 164वें नंबर की है। अगला यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दुनिया में दूध का सर्वाधिक उत्पादन, तो दुनिया में जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन दिया है USA, चाइना, इंडिया या जर्मनी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। आप सभी को बता दें कि पूरे विश्व का 22% जो दूध का उत्पादन होता है तो वो इंडिया में होता है। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा इंडिया, जबकि सेकंड नंबर पे आता है आपका अमेरिका, थर्ड नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान और फिफ्थ नंबर पे आपका ब्राजील आता है। चलिए, अगर इंडिया में अगर कभी बात की जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए यूपी में, जो कि 18% दूध का उत्पादन किया जाता है पूरे इंडिया का। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे फतिमा बीबी, रूमल पाल, ऑप्शन सी लीला सेठ और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 अगस्त 1991 को इन्हें बनाया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश की पहली हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला दिया हुआ है सही मिलान करें, यानी इसमें से कौन सा बिल्कुल जिसके सामने दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ 8 मई को वर्ल्ड हेल्थ डे, 1 मई को वर्ल्ड लिटरेसी डे और ऑप्शन सी 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे और 5 जून को वर्ल्ड ओजोन डे। फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है वो 17 मई को मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और लिटरेसी डे आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पे अगर ओजोन डे की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे,
सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। तो आप सभी को बता दें कि टेस्ट मैच में यहाँ पे पूछा गया है कि टेस्ट मैच में सबसे फास्ट जो दोहरा शतक है वो किसने बनाया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथन एस्ले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को बता दें ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 153 बॉल में डबल सेंचुरी बना दी थी और इन्हीं के नाम अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए अगला दिया हुआ है भारत में सबसे बड़ा तारामंडल। तो यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा तारामंडल पूछा गया है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट से सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वल्लभ प्लानिटेरियम कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है ब्रिटिश राष्ट्रमंडलों राष्ट्रों का संघ है। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का संघ क्या है। ऑप्शन ए दिया गया 34 नेशन, 30, 25, 54 या 56। 36 सॉरी। फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो विश्व के सॉरी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का जो संघ है वो टोटल जो बनता है 54 नेशन से बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बता दें 11 दिसंबर 1931 को इसकी जो राष्ट्रमंडल संघों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखेंगे, अगला दिया गया है पुस्तक इंटीग्रेटेड माइंड अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया इज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, राम मोहन शर्मा, मोहन देसाई या जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सभी आप सभी के सामने दिए गए हैं, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला दिया गया लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आपने सभी ने देखा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 36। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 36। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है संविधान सभा के द्वारा किस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 31 मार्च 1985, 28 फरवरी 1946। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था जनगण मन को। आप सभी को बता दें जो सबसे पहले इसे गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन चल रहा था उसमें सबसे पहले गाया गया था और ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे 15। पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है जैसा कि उसके पास क्या है जिसकी वजह से वो अलग है। तो यहाँ पे दे रखा है पल्क सिस्टम, अनलॉक सिस्टम, लॉक सिस्टम या ब्रेकिंग सिस्टम। फटाफट से बताइए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉक सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है किसी भी रूप से जीवन को बनाए रखने के स्थान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 16 का दिया हुआ है फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बायोस्फीयर जो होता है जिसे जैव मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी जो जल वायु और स्थल मृदा तथा सेल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है उसे ही बायोस्फीयर कहा जाता है यानी जैव मंडल कहा जाता है। चले अगला देखेंगे, अगला यहाँ पे दिया गया 17। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं तो कहाँ पे किए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया यूएसए, ब्राजील, स्टॉकहोम या कनाडा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो वितरित किए जाते हैं। चलिए बस एक को छोड़ के याद रखिएगा, जो पीस के लिए दिया जाता है उसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जितने पर पुरस्कार जो होते हैं चार जो फील्ड में होते हैं, हालांकि टोटल पांच होते हैं पीस को लगा के, बाकी के जो चार होते हैं उसे स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, विटामिन बी12 से लड़ने में मदद करता है। तो विटामिन बी12 होता है वो किससे लड़ने में यहाँ पे मदद करता है। ऑप्शन ए दिया गया एनेमिया, रिकेट्स, डेंगू या प्लेग। फटाफट से सभी लोग बताइए, देखते हैं कौन बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनेमिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है कौन सी तकनीकी की दिग्गज कंपनी 700 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी। ऑप्शन दिया सैमसंग और हैबिलिप्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एप्पल ऐसी पहली कंपनी है, 1 अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो फाउंडर थे इसके वो थे स्टीव जॉब्स
और आप सभी को बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। अभी अगर सीईओ की बात करें कि इसका सीईओ कौन है, तो जो इसके टिम कुक नाम से एक व्यक्ति हैं वो इसके सीईओ हैं, और कभी फाउंडर पूछा जाए तो स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया गया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया गया स्वामी रामानंद, ऑप्शन सी स्वामी राम रहीम, ऑप्शन डी स्वामी दास। तो फटाफट से सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को बता दें प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो देश में मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे ये मनाया जाता है। 1884 से लगातार इसे मनाया जा रहा है, सॉरी 1984 से। वहीं पे आप सभी को बता दें स्वामी जो विवेकानंद जी थे उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, वहीं 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है 12 जनवरी को आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने एकदम सीरियस लिया होगा, सभी लोग मेरे को स्कोर बताएंगे कि आपने टोटल स्कोर कितना किया है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। उससे पहले मैं आप सभी को एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अन अकेडमी से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आप सभी को बता दूं, जहाँ पे आप किसी भी बड़ी सिटी में जाके लाखों रुपए खर्च करके अपनी तैयारी करते हैं, वहीं पे आप बहुत ही कम अमाउंट में घर बैठे बहुत ही कम अमाउंट में अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि वहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं जो कि डेली क्लास का टाइम 10 से 11 बजे होता है, तो आप हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली हम जीएस और जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा कूपन कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसे ज़रूर यूज़ कर लेना ताकि जब आप इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाए। अगर आप इस कोड को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा और पूरा पेमेंट आप सभी को वहाँ पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लेना है। आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी एक इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप सभी को लाइव पढ़ाते हैं, जिसमें आपकी डेली स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्स और बहुत सारे कोर्स आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें आप SSC हो, UPSC हो, UPSSSC हो या कोई पुलिस एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए सभी एक्सपर्ट टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट को टीच कराते हैं। और एश्योर आप मानिए कि आपका जो एग्जाम है डेफिनेटली क्रैक होने में पूरी पूरी मदद करते हैं। तो देखिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग जाएं अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। आप सभी को बता दें कि अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसे उसके साथ शेयर करें और उसे बताएं कि आप अनअकैडमी एप्लीकेशन से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाके बहुत ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे टीचर मिल जाएंगे और बहुत ही कम अमाउंट में, जहाँ आपको लाखों रुपये खर्च करने हैं वहाँ आप बहुत ही कम अमाउंट में जाके बहुत ही बढ़िया टीचर से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के लाखों लोग वहां से जाके अपनी तैयारी करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जाके आज ही अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और आने वाली क्लासेस के लिए सभी एकदम तैयार रहेंगे, ताकि वहां पर अनअकैडमी पे कोई भी क्लास आए आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।